हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी इंडिया डे। हेलो इंडिया ने फाइनली आज मैच जीत लिया है। दिव्यांशु तुम बिजरा लो। ये देखिए आज हम फुलझड़ी जलाएंगे और आज हम सेलिब्रेट करेंगे इंडिया की विन को। फाइनली आज जो मैच था इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच था, सेमीफाइनल मैच था, जिसमें इंडिया ने फतेह पाली। इंडिया की तरफ से 397 रन मारे गए, जिसमें विराट कोहली ने 117 रन की पारी खेली और अपना 50 सेंचुरी मार दी। और वहीं पे श्रेयस अय्यर ने तूफानी पारी खेलते हुए 105 रन मारे 70 गेंदों पे। शुभम गिल ने भी 80 रन खेले। तो इंडिया की तरफ से 400 तक का टारगेट था जो कि न्यूजीलैंड को दिया गया। 397 रन मारे गए इंडिया की साइड से। वहीं न्यूजीलैंड की जो साइड थी काफी अच्छी फाइट दे रही थी इंडिया को, और डेरिल मिचेल ने 134 रन की पारी खेली। बट फाइनली ये मैच इंडिया जीत गया। इंडिया की साइड सबसे अच्छी जो परफॉर्मेंस किसने दी है तो वो मोहम्मद शमी ने दी। मोहम्मद शमी ने 7 विकेट लिए इस मैच में और 57 रन देख के 7 विकेट लिए और 9.5 ओवर्स उन्होंने बॉलिंग की, जिसमें ये कारनामा किया। अगर ये मैच किसी इंडिविजुअल की वजह से जीता गया है तो वो मोहम्मद शमी है। मोहम्मद शमी ने ऐसी धारदार बॉलिंग की जहाँ पे विकेट गिर ही नहीं रही थी। और एक दौर ऐसा गया जहां पे डेरिल मिचेल और केन विलियमसन ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप की और 220 रन तक कोई विकेट नहीं गिर रही थी। 2 विकेट ऑलरेडी स्टार्टिंग में गिर चुकी थी, बट जो तीसरी विकेट थी वो मोहम्मद शमी ने गिराई। और मोहम्मद शमी ने कुल मिलाकर इस पर्टिकुलर मैच में 7 विकेटें निकाली और जिसकी वजह से मैच इंडिया जीत गई है। और अगला जो मैच है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का, उसमें देखते हैं कौन सी टीम हमारे सामने आती है जो कि फाइनल में हमारे सामने खेलेगी। तो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया इंडिया ने। और इंडिया की साइड से ओवरऑल अगर बैटिंग साइड की बात करें तो विराट कोहली ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और 50 सेंचुरी मार दी अपनी वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई में। तो बहुत अच्छा शानदार परफॉर्मेंस दी इंडिया की साइड से। तो इसीलिए आज हमने सोचा कि कुछ पटाखे जला लिए जाएं। और ये फुलझड़ी पड़ी हुई थी तो इसको हमने कहा कि इसको हम जलाते हैं। तो एक फुलझड़ी और पड़ी है, इसको भी हम जला लेते हैं। हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी इंडिया विन। दिव्यांशु तुम भी जला लो। हिप हिप हुर्रे हिप हुर्रे, इंडिया फाइनली फाइनल पहुंच गई। तो आप बताइए आपको कैसा मैच लगा इंडिया का। इंडिया ने फाइनली जो बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी और ये मैच काफी टक्कर का था, जिसमें एक बार को लग रहा था न्यूजीलैंड कहीं ये चेज ना कर ले, क्योंकि 400 रन का वैसे तो विशाल टारगेट था, बहुत ज्यादा हमें लग नहीं रहा था ये चेज हो पाएगा। बट फिर भी डेरिल मिचेल ने जो पार्टनरशिप खेली केन विलियमसन के साथ वो बहुत शानदार थी। उसकी वजह से ही जो न्यूजीलैंड की टीम थी वो 327 रन बना पाई और 327 रन पे ऑल आउट हो गई। और ये मैच इंडिया ने 70 रन से जीता है। और जसप्रीत बुमराह की बात करें तो जसप्रीत बुमराह ने 1 विकेट ली है और मोहम्मद शिजान ने 1 विकेट ली है और उसके अलावा कुलदीप यादव ने भी 1 विकेट लिया है। बट सबसे जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किसने दी वो मोहम्मद सिराज ने दी इस पर्टिकुलर मैच में 7 विकेट लिए। और बैटिंग तो हमारी ओवरऑल बहुत अच्छी थी, क्योंकि बैटिंग में सभी ने लगभग अच्छा परफॉर्मेंस किया। और चाहे हमारे विराट कोहली हो जिसने 50 सेंचुरी मारी है, 105 रन श्रेयस अय्यर ने मारे हैं जिन्होंने तूफानी 150 के स्ट्राइक रेट से ये 105 रन मारे हैं। वहीं पर शुभम गिल ने को भी थोड़ी चोट लगी थी, वो रिटायर हर्ट हो गए थे, बट उन्होंने भी 80 रन मारे और 47 रन की स्टार्टिंग में तूफानी पारी खेलते हुए रोहित शर्मा ने बहुत अच्छा आगाज दिया, जिसकी वजह से प्लेटफॉर्म सेट हुआ और इंडिया एक बड़े टोटल को बनाने में कारगर हो गया। जो ये टारगेट है कहीं 420 के आस पास हो सकता था, बट ये 397 पर हमारा टारगेट अटक गया। बट फिर भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी इंडिया की साइड से और इंडिया फाइनली मैच जीत गया। तो आप लोग बताइए कि आपने इस जीत को कितना इंजॉय किया। और कल है मैच साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, उसमें से जो भी सेमीफाइनल में जीतेगा वो इंडिया के साथ फाइनल में खेलेगा। तो आप बताइए आपको कैसे लगा आज की जीत। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू वेरी मच।